हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनडिसाइडेबिलिटी के बारे में. ओके, और ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, तो बहुत ही जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे. और ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी है, इसको कई जो है पार्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की, अनडिसाइडेबिलिटी क्या होती है बेसिकली. तो अनडिसाइडेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, अगर कोई एक प्रॉब्लम है, सपोज दैट ओके, अगर कोई एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम उसे हमें सॉल्व करना है, उसे करस्पॉन्डिंग अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, डिसाइडेबल प्रॉब्लम. ओके, और अगर कोई एक प्रॉब्लम है जिससे करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, अनडिसाइडेबल. ओके, सिंपल से डेफिनेशन है, कोई भी एक प्रॉब्लम है हमें प्रूफ करना है कि वो डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है. तो अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, डिसाइडेबल. एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो अनडिसाइडेबल. जैसे एल्गोरिथम के जो है कोर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारी प्रॉब्लम, सिंगल सो, शॉर्टेस्ट पाथ, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम और बहुत सारी एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, वो सारी प्रॉब्लम क्या है, वो डिसाइडेबल है. क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या एल्गोरिथम है सॉल्व करने के लिए उसको, तो वो सारी इस कैटेगरी में आएगी. बाकी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. तो ये तो हो गया प्रॉब्लम के टर्म में, लेकिन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के टर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में. ओके, तो अब लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरीके से इसकी डेफिनेशन आएगी, अगर कोई एक लैंग्वेज है, सपोज दैट लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, डिसाइडेबल प्रॉब्लम. अगर कोई एक लैंग्वेज है इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्या कहेंगे, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. ओके, ये तो प्रॉब्लम की बात थी. तो इसका मतलब अगर इन दोनों को रिलेट करें, यहाँ प्रॉब्लम के टर्म्स में एल्गोरिथम की बात करें, लैंग्वेज के टर्म्स में हम क्या बात कर रहे हैं, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की. तो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है आपकी, रिकर्सिव. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि वो डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल. तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि वो लैंग्वेज रिकर्सिव है, तो रिकर्सिव का मतलब इसे करस्पॉन्डिंग हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, तो ये डिसाइडेबल होगी. यानी रिकर्सिव लैंग्वेज जो होती है वो डिसाइडेबल होती है. बाकी उसके नीचे जितनी भी लैंग्वेज आएंगी, जैसे रिकर्सिव लैंग्वेज हो गया, या आपको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री और डिटरमिनिस्टिक, कॉन्टेक्स्ट फ्री, रेगुलर, ये सारी क्या डिसाइडेबल लैंग्वेज है. बाकी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जिस पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग नहीं होता है, यहाँ दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा आपका रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज और दूसरा नॉन आ रही. तो अभी हम उस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव और बाकी नॉन आ रही. बट अभी यहाँ हम सिंपली डेफिनेशन क्या डिस्कस करें, कोई एक लैंग्वेज है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है या लैंग्वेज अगर रिकर्सिव है, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहेंगे, डिसाइडेबल. अगर इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, अनडिसाइडेबल. अब इसको अगर हमें प्रूफ करना हो कि किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि लैंग्वेज आपकी अनडिसाइडेबल है, तो एक बेसिक सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हम लोगों को पता है कि सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबली इनफाइनाइट. सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस का मतलब 2^σ, ये क्या होती है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. ये हम लोग डिस्कस किए हैं काउंटेबिलिटी वाले चैप्टर में कि कौन सा सेट जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, कौन सा सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है. तो ये 2^σ क्या है, ये आपका सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. इसको हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. ओके, ये क्या होता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट. ओके, तो अब अगर देखें सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ये क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है. ओके, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके नेचुरल नंबर के सेट से 1-to-1 मैपिंग हो जाती है. अगर आपको नहीं पता कि काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट क्या है, तो आप काउंटेबिलिटी वाले पार्ट में जाके वहाँ आप देख सकते हैं, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ. सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट. तो अगर बात करें सेट ऑफ ऑल हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, तो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन के बीच की क्या रिलेशनशिप होती है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो होता है वो सबसेट होता है ट्यूरिंग मशीन का. ओके, तो इसका मतलब यहाँ जो आपकी इस पर्टिकुलर अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की बात करें, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, रिकर्सिव. और ये सारी लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो ये क्या होती है आपकी, रिकर्सिव इनमरेबल बट नॉट रिकर्सिव. ओके,
बट नॉट रिकर्सिव। तो हमें किस तरीके से समझना है कि जो है अनडिसाइडेबिलिटी किस तरीके से प्रूव करेंगे। अगर यहाँ हम बात करें सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस की, ये क्या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इस सेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन। ओके, ये सारी लैंग्वेजेस होंगी। और ये जो है आपका सेट ऑफ ऑल क्या है, ट्यूरिंग मशीन। तो अगर इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है, लेट्स सपोज इससे करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसकी 1-to-1, क्योंकि ये क्या अकाउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसकी नेचुरल नंबर से 1-to-1 मैपिंग हुई होगी तभी ये अकाउंटेबली इनफाइनाइट है। और अगर हम इसकी इस ट्यूरिंग मशीन से इसकी 1-to-1 मैपिंग करें, क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन जितनी भी इस सेट में है इसकी 1-to-1 ट्यूरिंग मशीन की मैपिंग नेचुरल नंबर से हो चुकी है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स सपोज ट्यूरिंग मशीन लेट्स से 2 है, ये 3 एंड सो ऑन। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जो ट्यूरिंग मशीन का सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इस सेट की बात करें सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस की, इसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो बच जाएंगी जिनकी करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये क्या आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है और ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो इसमें जो भी आपके एलिमेंट्स यानी जो ट्यूरिंग मशीन है उसकी अगर लैंग्वेज से हम मैपिंग कराएं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 1-to-1 मैपिंग जो है नेचुरल नंबर से हो चुकी है, तो एक टाइम के बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा, लेकिन फिर भी लैंग्वेजेस बची होंगी। इसका मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ये मतलब है। तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, नॉन आरी। ओके, और ये जो आपकी सारी ट्यूरिंग मशीन है इससे करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेजेस होंगे वो क्या होंगे, रिकर्सिव इनम्यूटेबल लैंग्वेज। तो ये तो क्या था, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो ये क्या होगा, इसी का सबसेट होगा। तो इसका मतलब इसमें जितनी भी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, लेट्स से ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन 1, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन 2 एंड सो ऑन। तो अगर इस ट्यूरिंग मशीन, तो क्या है इस, यहाँ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेट ऑफ ऑल हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन इज सबसेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन, तो इसका मतलब इस सेट में भी बहुत सी ऐसी ट्यूरिंग मशीन होंगी जो कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं होंगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये आपका जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इससे प्रूव कर लिया कि मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है। अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि अगर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या रिकर्सिव लैंग्वेज, इसका मतलब वो क्या होगी, डिसाइडेबल। और अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, अनडिसाइडेबल। तो अब देखो इसमें तीन टर्म आते हैं बेसिकली, एक होती है डिसाइडेबल, सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। बाकी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अनडिसाइडेबल और सेमी डिसाइडेबल को एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आगे जब हम लोग राइसेस थ्योरम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ और क्लैरिटी आएगी। बस सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन ये क्या आपका सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट और ये इसी का सबसेट है। तो अगर कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जितनी भी ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, यानी हर एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की जो लैंग्वेजेस होंगी वो क्या होंगी, रिकर्सिव होंगी। और यहाँ ट्यूरिंग मशीन गिवन है तो इसमें क्या होगी, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी। ये तो क्या है, सेट ऑफ ऑल रिकर्सिवली इनम्यूटेबल लैंग्वेज, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन है तो ऑब्वियस सी बात है उसे करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज होगी वो रिकर्सिवली इनम्यूटेबल लैंग्वेज होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेज हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं, तो ये लैंग्वेज क्या होगी, RE बट नॉट REC। ओके, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया रिकर्सिव, यानी रिकर्सिव को शॉर्ट फॉर्म REC हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिसाइडेबल। ये क्या है, REC बट नॉट REC, इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर कहीं आपको दिखे कोई एक लैंग्वेज जो कि RE है बट नॉट REC, तो इसको क्या कहेंगे, सेमी डिसाइडेबल। और अगर कोई आपको एक लैंग्वेज मिल गई नॉन RE, तो इसको क्या कहेंगे, अनडिसाइडेबल। बट यहाँ हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये डिस्कस करें जो आपका अनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल, ये आपका सेमी डिसाइडेबल भी है और अनडिसाइडेबल भी, यानी अनडिसाइडेबल यानी सेमी डिसाइडेबल अगर मिल गया तो भी अनडिसाइडेबल है, और अगर अनडिसाइडेबल तो ऑब्वियस बात है वो अनडिसाइडेबल है ही। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन की, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉब्लम के टर्म में अगर बात करेंगे तो एल्गोरिथम की बात करेंगे, लैंग्वेज के टर्म में बात करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन की स्पेशली, यानी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, अगर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम है डिसाइडेबल नहीं है अनडिसाइडेबल, लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर आपकी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है तो डिसाइडेबल, और अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है तो वो अनडिसाइडेबल। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब रिकर्सिव, अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का नहीं है तो इसका मतलब नॉट रिकर्सिव। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई भी आपकी एक गिवन प्रॉब्लम है
उसको किस तरीके से रिलेट करेंगे, यानी किस तरीके से हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे प्रॉब्लम की लैंग्वेज, जैसे कोई आपको एक प्रॉब्लम दी रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है कि वो डिसाइडेबल है या नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में, तो उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में और चेक करेंगे क्या उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हम हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं। अगर डिज़ाइन कर लिए तो डिसाइडेबल, नहीं कर पाए तो वो अनडिसाइडेबल। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज। ओके, सब देखते हैं कि प्रॉब्लम और लैंग्वेज की क्या रिलेशनशिप होती है, कि प्रॉब्लम को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, प्रॉब्लम यहाँ के एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। प्रॉब्लम का मतलब सिंपली एक क्वेश्चन है, यानी हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ क्या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कोई भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है तो हमें चेक करना है कि वो एम्बिग्यूस है या नहीं है। ओके, तो अब जो है यहाँ हम जो है क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ एक टर्म है इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम दो तरह के इंस्टेंस होंगे, एक होगा आपका येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लेट से यहाँ ग्रामर G1 है, G2 है एंड सो ऑन, G10 है, G11 है एंड सो ऑन। ये क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होंगी। तो मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिया हुआ है, एक ग्रामर ये है जो कि यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है, दूसरी ग्रामर है जो कि नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है। यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब सपोज दैट हमने एक ग्रामर G1 पिक किया और चेक किया और पता चले ये ग्रामर क्या आपकी एम्बिग्यूस है, तो एम्बिग्यूस ग्रामर का मतलब यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। अगर वो ग्रामर एम्बिग्यूस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। अगर इसको देखें, एस डिराइव एस एस एन ए, ओके, तो ये क्या है, अगर इसकी लैंग्वेज देखेंगे क्या है, आई थिंक ए टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्रामर को देखेंगे तो ये ग्रामर क्या आपकी एम्बिग्यूस, तो इसका मतलब ये इस सेट से बिलोंग कर रही है। यहाँ जो आपका डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हमने क्या किया, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया सारे ग्रामर को, और उस उन सारे ग्रामर को पिक किया जो कि एम्बिग्यूस ग्रामर है और उसको कह दिया कि वो येस जो है येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है, येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। ओके, और दूसरा क्या है, बाकी जो रिमेनिंग ग्रामर्स हैं यानी जो कि अनएम्बिग्यूस ग्रामर है उसको क्या कह दिया, नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर इसको देखें इसमें क्या लैंग्वेज आएगी, ए टू दी पावर, वैसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है बस खाली कंप्लीशन के लिए। ये आपकी एक ग्रामर गिवन है, एस डिराइव्स एस एस एंड ए, ये आपका क्या आ रहा है, येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपका है वो एम्बिग्यूस ग्रामर है। तो हम डिस्कस क्या करें, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इस पूरे सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, कुछ ग्रामर होंगे जो कि येस इंस्टेंस में होगी, कुछ होंगी जो कि नो इंस्टेंस होगी। येस इंस्टेंस का मतलब जो कि एम्बिग्यूस ग्रामर हैं, और नो इंस्टेंस का मतलब जो कि एम्बिग्यूस ग्रामर नहीं है। अब देखो लैंग्वेज क्या होगी, ऑल येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम एनकोडेड इन बाइनरी स्ट्रिंग। देखो अब सपोज दैट ये लैंग्वेज हमें लिखनी है, एल ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, लेट सपोज एम्बिग्यूटी इस तरीके से लिख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब इस सेट में हम सारी ग्रामर को वन बाई वन पिक करें और चेक करें कौन कौन सी एम्बिग्यूस ग्रामर है। लेट सपोज G1 आपकी एम्बिग्यूस आ गई, G2 एम्बिग्यूस ग्रामर नहीं है, G3 आ गए, नेक्स्ट G9 आ गई, G20 आ गया, लेट से 30 एंड सो ऑन, बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेज आ गई। तो वन बाई वन इस सेट से हमने पिक किया, और इसके येस इंस्टेंस का मतलब वो सारी ग्रामर जो कि एम्बिग्यूस हैं उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और इसकी जो ये ग्रामर एग्जैक्टली नहीं लिख रहे हैं कि येस यानी इस फॉर्मेट में, इसको हम इनकोड किस कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ ऑल येस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम इनकोडेड इन बाइनरी स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपका सिग्मा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 0.1। तो इसलिए क्या, ये लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टी यानी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर, यस लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। यहाँ सिग्मा क्या है, 0+1 होल, सॉरी 0.1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज 0+1 होल सर, इसी का सबसेट क्या होगी लैंग्वेज, क्या इस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज और इस लैंग्वेज यानी ये लैंग्वेज की डेफिनेशन को फॉलो कर, यस इसमें जो भी आपके जो है ग्रामर G1 G3 इसका हमने क्या किया, बाइनरी इनकोडिंग। कैसे होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इनकोड कर सकते हैं जैसे ट्यूरिंग मशीन की इनकोडिंग होती है, ऐसे ही ग्रामर की भी इनकोडिंग हम कर सकते हैं, पर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम को लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरीके से लिख रहे हैं। तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे
तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक होगा यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा क्या होगा नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो जो यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम होंगे उनको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेंगे, और वो सारी ग्रामर, अगर इस बात इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें क्या है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो उन सारी ग्रामर को हम इस लैंग्वेज में लिख लेंगे जो कि एम्बिग्वियस होंगे, और उसका हम बाइनरी फॉर्मेट यानी बाइनरी इनकोडिंग कर देंगे, और ये हमारी लैंग्वेज की जो है डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। और भी प्रॉब्लम्स होती हो सकती है, जैसे आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है, तो खैर हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज एक बार, पर यहाँ हम जितनी भी प्रॉब्लम की बात करेंगे, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो प्रॉब्लम भी क्या होती है दो तरह की होती है, प्रॉब्लम क्या होती है आपकी दो तरह की होती है, एक होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और दूसरी क्या होती है डिसीजन प्रॉब्लम। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हमारा सारा फोकस क्या है डिसीजन प्रॉब्लम, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा अनडिसाइडेबल है कौन सा डिसाइडेबल है। तो खैर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के जो है चैप्टर में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की है, यानी एल्गोरिथम जब लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कि आपका ग्रीडी टेक्निक डायनामिक प्रोग्रामिंग ये सारी क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बट थ्योरी ऑफ कंपटीशन में इसका कोई जो है इंपॉर्टेंट मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सारी चीज़ें हम डिसीजन प्रॉब्लम के ही अराउंड ये सारी अनडिसाइडेबिलिटी थियरी डिसाइडेबिलिटी थियरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखते हैं डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, सो अब देखते हैं डिसीजन प्रॉब्लम। तो डिसीजन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और हम बता दें कि अगर कोई भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसके करस्पॉन्डिंग क्या होती है आपकी डिसीजन प्रॉब्लम होती है। ओके, जब ये हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम में पीएनपी एनपी सीएनपी हार्ड, तो यहाँ ये डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम डिसीजन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, और सारी वर्किंग हम डिसीजन प्रॉब्लम के ही करस्पॉन्डिंग करते हैं। ओके, वहाँ हम प्रूव करते हैं कि कोई प्रॉब्लम पी है कोई एनपी है कोई एनपी हार्ड है एनपी कंप्लीट है, बट यहाँ हम सिंपली क्या कर रहे हैं डिसीजन प्रॉब्लम पे चेक कर रहे हैं। डिसीजन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसका आंसर या तो यस आएगा या तो नो आएगा सिंपली। ओके, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, यानी अगर कोई भी आपके पास एक एल्गोरिथम है ओके उसको हमने कोई एक इनपुट दिया उसका आंसर यस या नो आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी आपकी डिसीजन प्रॉब्लम होगी। ओके, जैसे कोई एक नंबर प्राइम है कि नहीं है, कोई एक ग्रामर है वो एम्बिग्यूस है या नहीं है, तो सिंपली कहेंगे हाँ ये ग्रामर एम्बिग्यूस है या नहीं है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं डिसीजन प्रॉब्लम। ओके, अब ये तीन तरह की होती है, एक होता है आपका डिसाइडेबल जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में या बहुत सारी आप वेबसाइट पे देखेंगे कि सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को अलग नहीं किया, वो एक ही उसमें जो है ग्रुप में रखा गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आगे हम लोग जो है राइसेस थ्योरम और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन करेंगे किस तरीके से दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, तो डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है, सपोज लैंग्वेज एल है, तो लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम इज रिकर्सिव। ओके, अभी जो डिस्कस किया कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने कोई एक लैंग्वेज डिज़ाइन की और ये अगर लैंग्वेज आपकी डिसाइड सॉरी अगर ये लैंग्वेज क्या मिल गई आपकी रिकर्सिव, तो ये क्या हो गया डिसाइडेबल और ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी डिसाइडेबल, इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी। तो सिंपल डेफिनेशन डिसाइडेबिलिटी की, कोई भी आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को चेक करेंगे क्या उसके करस्पॉन्डिंग हम कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर डिज़ाइन किए तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी रिकर्सिव, तो यानी अगर कोई एक लैंग्वेज रिकर्सिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम वो क्या हो गया आपका डिसाइडेबल। सेकंड, सेमी डिसाइडेबल। सेमी डिसाइडेबल का मतलब लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम इज आरई बट नॉट आरईसी, आरईसी मतलब रिकर्सिव, मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है इसके करस्पॉन्डिंग हमने लैंग्वेज डिज़ाइन की और ये लैंग्वेज जो आ रही वो क्या आ रही आपकी आ रही बट नॉट आ रही सी। ओके, आ रही बट नॉट आ रही सी, तो इसको क्या कहेंगे सेमी डिसाइडेबल, और इससे करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम होगी इसको भी क्या कहेंगे सेमी डिसाइडेबल, ये इसका मतलब है। तो अगर कोई लैंग्वेज है आ रही बट नॉट आ रही सी तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी कोई ना कोई ट्यूरिंग मशीन होगी, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो क्या डिफरेंस होता है रिकर्सिव और रिकर्सिव इनम्यूरेबल लैंग्वेज में। तो सिंपली कोई एक लैंग्वेज है अगर उसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन है तो वो क्या हो जाएगी आपकी रिकर्सिव इनम्यूरेबल लैंग्वेज, लेकिन ये हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं आरई बट नॉट आरईसी। ओके, अगर आरईसी आ जाएगा तो ये तो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन दोनों को इस तरीके से डिस्टिंग्विश किए हैं। सिंपल मतलब
जो भी आपका प्रॉब्लम है इससे करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज हमने डिजाइन किया तो और ये लैंग्वेज हमें रिकर्सिव मिली तो ये डिसाइडेबल हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं एल्गोरिथम होगा। ओके इसका ये मतलब हुआ, अगर लैंग्वेज जो है वो आपकी रिकर्सिव है तो ये लैंग्वेज किसी न किसी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग ही हम लोगों ने डिजाइन की होगी, तो इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता होगा, तभी ये हमें रिकर्सिव मिली है। ये मतलब डायरेक्ट बोथ डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं है कि सेमी डायरेक्शनल है। अगर एल रिकर्सिव है तो प्रॉब्लम क्या हो गया आपका, इसके करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम है तो इसका मतलब ये लैंग्वेज क्या होगी, रिकर्सिव होगी। लेकिन यहाँ क्या है आपका ट्यूरिंग मशीन, तो ट्यूरिंग मशीन ज़रूरी नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका एल्गोरिथम हो। हाँ प्रोसीजर जरूर होगा, यहाँ हम लिख देते हैं प्रोसीजर। ओके तो प्रोसीजर और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी हम लोग एल्गोरिथम की वीडियो में बहुत सारे बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली प्रोसीजर, ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन, उससे प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई एक लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज में क्या होगा, इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग दो इनपुट आएंगे। ओके एक होगा एस इनपुट और दूसरा क्या होगा नो इनपुट। ओके जैसे मान लो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से हमने कोई एक स्ट्रिंग ली और ट्यूरिंग मशीन को दी तो ये डेफिनेटली जाके होल्ड करेगा और कहेगा येस। ओके लेकिन एक ऐसी हमने स्ट्रिंग पिक करी जो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो वो नो कह भी सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट लूप में चला जा सकता है। तभी इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, रिकर्सिवली इनमेबल लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव। तो ये हो गया आपका सेमी डिसाइडेबल। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा है तो ऐसे सिनेरियो में क्या कहेंगे, ऐसी लैंग्वेज को सेमी डिसाइडेबल। तीसरा क्या अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल का मतलब लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम इज नॉन आरी। जैसे कि डायगनलाइजेशन लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, नॉन आरी होती है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं है। तो अगर कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना तो प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर नहीं है तो एल्गोरिथम तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो एक लाइन में इसको बता दें कि अगर कोई, ये तो खैर कई बार रिपीट कर दिए, कोई एक प्रॉब्लम है हमें प्रूफ करना है कि वो आपका डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है, तो उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में और चेक करेंगे वो लैंग्वेज कौन सी आ रही है। तीन ही कैटेगरी आएगी, एक तो वो लैंग्वेज या तो रिकर्सिव होगी, दूसरा रिकर्सिव इनुमरेबल बट नॉट रिकर्सिव होगी, तीसरा नॉन आ रही होगी। अगर लैंग्वेज रिकर्सिव होगी तो वो क्या हो जाएगी, डिसाइडेबल लैंग्वेज, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा हो मतलब वो भी डिसाइडेबल। यहाँ क्या है, अगर आपका आरी बट नॉट आरी सी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेमी डिसाइडेबल। और तीसरा क्या आपका अनडिसाइडेबल का मतलब, और बाकी अनडिसाइडेबल और सेमी डिसाइडेबल दोनों को हम जो है मर्ज भी कर सकते हैं, अगर कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ अनडिसाइडेबल लिखा हुआ है, सेमी डिसाइडेबल नहीं लिखा है तो हम इसको टिक करेंगे अनडिसाइडेबल। तीसरा सिनेरियो क्या है, लैंग्वेज का, यानी अगर आपका लैंग्वेज हमें मिल रहा वो क्या है, नॉन आरी, तो नॉन आरी का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं है। तो ट्यूरिंग मशीन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी, अनडिसाइडेबल। तो ट्यूरिंग मशीन है तो ट्यूरिंग मशीन ही अगर एग्जिस्ट नहीं करा तो एल्गोरिथम तो बहुत बड़ी बात है। तो ये था आपका डिसीजन प्रॉब्लम और अनडिसाइडेबिलिटी के बारे में। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, डिसाइडेबिलिटी, सेमी डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी। अभी इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ओके।